आदत जैसी है तू मेरी, आदत कैसे भूलूं भला। मैं कभी भूलूंगी ना तुझे, चाहे तू मुझको देना भुला। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोना बी क्रिएटिंग दिस मेकअप लुक। इट्स अ वेरी नाइस इंडियन नेचुरल ग्लोई डूई मेकअप लुक एंड इट्स बीन अ हॉट मिनट since we did that nice Indian makeup look and I'm feeling it today. I'm feeling myself today. I'm just so in love. I am so happy to create this makeup look. So for today's video we are gonna be creating a very nice soft dewy makeup look, glowy makeup look जो आप मेरे face पर देख रहे हो। slits very long lasting, appropriate for summer. ऐसा नहीं है dewy है तो हमें लगता है क्या long lasting नहीं होगा, summers है पूरा बह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। and I'll be sharing some tips and tricks, some new ways that I figured out to do my makeup look that makes my makeup more long lasting, more natural and more nice if I may say so। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ना आप काफी सारी चीजें चेंज करते हो आपके अंदर। सिमिलरली विद द मेकअप आप टाइम के साथ ना काफी सारी नई नई चीजें सीखते हो, नई नई टेक्निक्स फिगर आउट करते हो। सो आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ बिट नहीं, काफी सारी चीजें हैं जो मैंने करने का, सी प्रोडक्ट्स वही रहते हैं, इट्स जस्ट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ फ्यू स्टेप्स इन माय मेकअप लुक जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोना क्रिएट टुगेदर। सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। ये ग्लोई डूई बड़ा ही नेचुरल सा इंडियन मेकअप लुक आपको बहुत पसंद आए। दिस इज समथिंग दैट यू कैन एब्सोल्युटली डू एनी टाइम। आप कहीं जा रहे हो, ऑफिस, कॉलेज, बहुत मिनिमल सा है, कोई पूजा है, छोटा मोटा कोई फेस्टिव ओकेजन है, थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। बट दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूड मिनिमल लुक जो आपको कहीं भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इन। ऑलराइट, आई ऑलवेज से स्टार्ट विथ प्रेपिंग योर स्किन रियली रियली वेल। अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा स्किन प्रेप उतना अच्छा मेकअप। हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी मेकअप लुक हो, कैसा भी मेकअप लुक हो, प्रेपिंग योर स्किन रियली वेल बिफोर यू स्टार्ट विथ मेकअप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज cleansing your face really really well. I used this face wash. This is from the brand Himaira. It's their 24K gold face wash. It's a very lightweight gel like face wash which is very very gentle on your skin and it also has these real gold flakes that revitalize your dull and exhausted skin. ये आपकी skin को deeply cleanse करता है along with providing a luxurious shine and glass like glow to your skin. It also has gold flakes which prevents fine lines and reduce appearance of sunburns. इसमें rose water भी है that soothes your skin, rosemary extract that protects the skin and rosehip extract and niacinamide beer that helps in providing even and brighter skin tone. It is really suitable for all skin types and this is how my skin looks like after washing it off. After 1 minute काफी अच्छे से intensely आप देख सकते हो उसने मेरे फेस को क्लेंस कर दिया है। Next part is कि आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, इट स्टिल कीप्स इट मॉइस्चराइज। ओके, वंस आई एम डन क्लेंजिंग माई फेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर स्किन रियली रियली वेल। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो वो और ही ज्यादा मेकअप उसको ड्राई कर देगा। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग, दिस इज हाइड्रो बॉम्ब फ्रॉम हिमायरा एंड दिस इज एक्चुअली अ हाइड्रो बॉम्ब मॉइस्चराइजर। दिस इज देयर हाइड्रो बॉम्ब 72 आवर्स हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड लुक एट दैट। आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इट। इट हैज दिस रियली नाइस जेल कंसिस्टेंसी जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड इट इज सो मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम। इट कीप्स योर स्किन डीपली हाइड्रेटेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इट इज इनरिच विथ 1.5% aquazile and 3% glycerin which helps to replenish moisture levels and restore skin's natural barrier. इसमें niacinamide, hyaluronic acid and green tea extract भी है। It is specially designed to improve skin texture and elasticity, leaving the skin soft and supple, smooth. आप खुद देख सकते हो मेरी स्किन कितने अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है क्योंकि जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। सो इट इज गोन बी ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट जस्ट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड एंड रियली सूथ्स योर स्किन इंस्टेंटली एंड ये आपके स्किन बैरियर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। लुक एट माई स्किन, इट लुक सो प्लम्प एंड हेल्दी एंड एकदम से बहुत सटल सा ग्लो एड करता है। आई थिंक दैट दिस वुड बी ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स बिकॉज ये जेल लाइक है ना तो हर स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। स्टिल कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। मेरी तो स्किन ड्राई है, स्टिल इट्स हाइड्रेटिंग माई स्किन, तो उसका मतलब ये आपकी स्किन को भी डेफिनेटली अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगा एंड क्योंकि जेल है तो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। आई यूज्ड अ लॉट ऑफ इट एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट दीज डेज। लुक एट दैट,
आई लव इट सो मच. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन. एंड अभी तो समर है ना, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सनस्क्रीन लगाना. आई एम गोना बी यूजिंग दिस. दिस इज द सनस्क्रीन मूस फ्रॉम हिमायरा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज अ पावरफुल क्यूरेशन ऑफ एडवांस सन प्रोटेक्शन विद SPF 50 PA ट्रिपल प्लस अलॉन्ग विद natural sweet almond oil and vitamin E. Its mousse texture allows easy application. It is non-comedogenic, formulated to provide broad spectrum of protection against UVA and UVB rays. It makes your skin really soft and smooth and along with fighting sun damage as well. Ye bilkul bhi white cast nahi deta hai. And it is also water and sweat resistant as well, which is perfect for this summer season. And you know the best part is that ye bilkul bhi white cast nahi deta hai. And because of its moussey texture, ye aapke base ki tarah bhi kaam karta hai. Like on top of this, अगर आपको कंसीलर बीबी क्रीम वगैरह कुछ लगाना है तो आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट थ्री सिंपल स्टेप्स एंड माय स्किन इज नाइसली प्रेप्ड फॉर फर्दर एक्शन. अब मैं जो भी इसके ऊपर अप्लाई करूंगी वो स्किन पे काफी अच्छे से बैठेगा, मेकअप स्किन पे काफी अच्छे से लगेगा. एंड इट्स गोना स्टे ऑन माय स्किन. स्किन प्रोटेक्ट भी है, मॉइस्चराइज भी है. एंड आई एब्सोल्युटली लव द स्किन प्रेप टुडे. आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई आउट दीज प्रोडक्ट्स. आई हैव बीन रियली रियली एंजॉयिंग दीज. आपने जैसे कि देखा एंड मैं इनको आजकल इतना यूज कर रही हूं. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस ऑल्सो टू ट्राई दीज आउट. इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट. नाउ अप्लाइंग सम लिप बाम टू मॉइस्चराइज माय लिप्स एज वेल. वो भी बहुत जरूरी है. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद मेकअप बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉन्कॉक्शन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स. दिस इज द मेबेलिन न्यूली लॉन्च लाइक सुपरस्टे वाला फाउंडेशन एंड दिस इज द कलर पॉप प्रिटी फ्रेश स्किन टिंट. सो ये एक थोड़ा सा लूमी मैट फाउंडेशन है विच इज लूमिनस बट स्टिल लिटिल बिट मैट फॉर माई स्किन. एंड ये बहुत ही डूई बहुत लाइट वेट सा स्किन टिंट है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है. मैं थोड़ा थोड़ा दोनों को मिक्स कर लूंगी एंड देन आई एम जस्ट गोना स्प्रेड इट ऑल ओवर माई फेस. एंड मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. आप चाहो ब्रश वगैरह कैसे भी ब्लेंड कर सकते हो. आई एम नॉट गोना यूज अ लॉट ऑफ बेस प्रोडक्ट एंड प्लस वेरी लाइट वेट बेस प्रोडक्ट. ये दोनों ही काफी ज्यादा लाइट वेट है. इट्स नॉट लाइक टू मच ऑन द स्किन एंड स्टिल इट विल गिव माई स्किन अ वेरी नाइस इवन लुक एंड प्लस वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. क्योंकि दोनों ये फाउंडेशन भी स्किन टिंट भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. तो एक ग्लोई डूई फिनिश के साथ ही काफी लॉन्ग लास्टिंग लाइट वेट सा बेस हमें चाहिए एंड ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा बेस हमें देगा. लुक इट माई बेस, दिस इज हाउ इट लुक्स. इट स्टिल डूई बट हैज अ वेरी नाइस सॉफ्ट मैट फिनिश एंड स्टिल इट्स गोना स्टे फॉर रियली लॉन्ग. नाउ एट दिस पॉइंट इसके बाद यूजली हम कंसीलर लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फिर ब्रश लगाते हैं. बट आई हैव चेंज थिंग्स अ बिट. थोड़ा सा मैंने कुछ चीजें चेंज की हैं जिससे आई हैव सीन दैट इट रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो जैसे ही मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लेती हूँ या फिर अगर मैंने बीबी क्रीम स्किन टिंट जो भी लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई लाइक टू गो इन विथ अ लिक्विड ब्लश. आज मैं यूज कर रही हूँ ये पैक इन एक सारा लिक्विड ब्लश एंड दिस इज इन द शेड टर्किश डिलाइट. अ वेरी प्रिटी पिंक न्यूड पिंक शेड. आप कोई भी लिक्विड ब्लश वगैरह यूज कर सकते हो. एंड मैं एक्चुअली में समर्स में पाउडर ब्लश ज्यादा प्रिफर करती हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश लगाओ ना तो और ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. तो सबसे पहले मैं ये लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ नो स्किन एंड डोंट वरी इतना ज्यादा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक्सट्रीमली पिगमेंटेड नहीं है. आप थोड़ा ज्यादा भी लगा लेते हो ना अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है. इट्स वेरी ब्लेंडेबल, वेरी क्रीमी एंड द शेड इज ब्यूटिफुल. अगर आप थोड़ा ज्यादा, जैसे आप देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा लगाया है बट ब्लेंड करने के बाद इसे टू मच नहीं लगेगा. समझा उसको ना क्विकली ब्लेंड इट आउट. लुक एट दैट प्रिटी शेड. इट्स अ वेरी नाइस डूई लिक्विड ब्लश दैट आई रियली रियली लाइक. बहुत प्रिटी लगता है एंड I'm just gonna quickly blend it out. I've been doing this thing lately कि मैं नोज के नीचे भी ब्लश लगाती हूँ. नोज पे तो लगाती हूँ, चिन पे, नोज के नीचे भी लगाती हूँ. बहुत सुंदर लगता है. ट्राई वंस, शायद आप पे भी अच्छा लगे क्योंकि आई डेफिनेटली नो कि हर चीज हर किसी पे अच्छी नहीं लगती है बट आई डोंट नो, यू नेवर नो. क्या पता आप पे अच्छा लगे. आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. एंड दिस इज हाउ माई फेस लुक लाइक आफ्टर अप्लाइंग ब्लश. वेरी डूई, वेरी नाइस, वेरी फ्लश. नाउ आई एम गोना अप्लाई अ कंसीलर. मैं यहाँ पे मेबेलिन फिट मी कंसीलर यूज कर रही हूँ एंड दिस इज अ लाइटर शेड फॉर मी. एंड मैं इसको सिर्फ अपने अंडर आईज पे लगाने वाली हूँ लाइक जस्ट टू हाईलाइट अ लिटिल बिट यहाँ पे एंड यहाँ पे. एंड एम गोना क्विकली ब्लेंड इट आउट यूजिंग अ कंसीलर ब्रश. एंड ये रीजन था कि मैंने पहले कंसीलर नहीं लगाया. आप देख सकते हो जैसे ही मैं कंसीलर को ब्लेंड करूंगी ना इंस्टेंटली इट विल गिव मी अ रियली हाईलाइटेड लुक अंडर माई आईज. अगर मैं पहले कंसीलर लगा लेती फिर ब्लश लगाती तो अगेन वो पूरा सब कुछ ब्लेंडेड लगता, मिक्स लगता. अंडर आई पे जो एक हाईलाइटेड इफेक्ट होता है ना वो नहीं मिलता. सो आप क्रीम ब्लश के बाद ये लिक्विड हाईलाइटिंग वाला कंसीलर लगाओ, उसके बाद उसको ब्लेंड करो तो आपको एक अच्छा सा अंडर आई हाईलाइट मिलता है. दैट लुक्स रियली रियली गुड एंड ब्लश का प्लेसमेंट वगैरह
सब कुछ बराबर लगता है। सो दिस इज द रीजन दैट दीज डेज मैं पहले लिक्विड ब्रश लगाती हूँ, उसके बाद ये लाइटर शेड वाला कंसीलर लगाती हूँ, उससे एक बहुत सुंदर अंडर आई हाईलाइट मिलता है जैसा आप खुद देख सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड मैंने सारे ही ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। कंसीलर भी बड़ा लाइट सा ऐसा थिक, बहुत ज्यादा हैवी कंसीलर नहीं है, सो दैट इट डजंट क्रीज एंड रियली स्टेज एंड बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, इट लुक्स रियली लाइट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट अप आई एम गोना बी यूजिंग दिस डुओ पैलेट, इसमें पाउडर भी है एंड ब्रॉन्जर भी है। पहले मैं पाउडर यूज नहीं करूंगी, पहले मैं ब्रॉन्जर यूज करूंगी एंड जस्ट गोना यूज दिस टू स्लाइटली स्ट्रक्चर माई फेस। आप चाहो तो आप ये स्टेप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो, बट बिकॉज आई हैव अ राउंड चबी फेस तो मुझे थोड़ा सा फेस को स्ट्रक्चर करना अच्छा लगता है एंड ऑल्सो बिकॉज इट समर्स नो इट एड्स दैट नाइस यू नो ब्रॉन्जी लुक टू योर फेस विच लुक्स रियली नाइस। सो मैं इसको यूज करी टू स्लाइटली स्ट्रक्चर माई फेस एंड टू एड दैट कलर एज वेल। सेम ही ब्रश यूज करके फॉर माई नोज आई एम जस्ट गोना पिंच इट, ड्रॉ टू लाइन्स एंड ब्लेंड देम टूगेदर एंड ऑल्सो कनेक्ट देम। ये एकदम से स्ट्रक्चर कर देता है थोड़ा आपकी नोज को एंड आपकी नोज इंस्टेंटली पतली दिखने लगती है, उससे आपका ऑल ओवर फेस काफी स्ट्रक्चर दिखने लगता है। लुक एट दैट। नाउ यूजिंग द सेम पैलेट एंड ये इसमें से पाउडर यूज करूंगी मैं, इट्स अ रियली नाइस पाउडर, इट डजंट ड्राई आउट माई स्किन एंड बहुत अच्छे से फेस को सेट कर देता है। पूरा एक्स्ट्रा रिमूव कर दूंगी एट द बैक ऑफ माई हैंड एंड आई एम गोना लुक अप एंड सेट माई अंडर आईज। दैट्स द एरिया जो जरूर क्रीज हो सकता है एंड समर्स में तो अंडर आईज को सेट किए बिना अगर कंसीलर लगाया है तो बिल्कुल भी मत निकलना। सो उसको अच्छे से सेट करेंगे, लाइन्स अराउंड योर माउथ एंड ऑल्सो आपने जहां पे कॉन्ट्रोल लगाया था ना उसके जस्ट बिलो दैट टू क्लीन इट अप अ लिटिल बिट। यूजिंग अ पाउडर ब्रश आई एम जस्ट गोना डस्ट ऑल इट ऑफ। कोई भी एक्स्ट्रा पाउडर फेस पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे फेस ड्राई आउट होने का चांस होता है, सो पूरा एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव कर देंगे एंड देयर वी गो, अच्छे से फेस सेट हो गया है। नाउ डूइंग माई ब्राउज आई हैव शोड दिस 100 टाइम्स ऑन माई चैनल, जस्ट द मेबलिन ब्राउ स्टाइलिंग जेल, सिर्फ ये यूज करती हूँ एंड जस्ट रन इट थ्रू माई ब्राउज। दिस गिव्स दैट बेस्ट लुक टू माई ब्राउज एंड एकदम जगह पे रहती है, इंटैक्ट रहती है अपनी प्लेसमेंट, काफी सा फुलर सा लुक आता है। डू नॉट लाइक टू यूज एनी अदर प्रोडक्ट, इट लुक्स रियली नेचुरल एंड रियली गुड, सो जस्ट दिस एंड आई एम गुड टू गो। ओके नाउ माई करंट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर दिस समर सीजन, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ब्लश, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बेनिफिट एंड दिस इज इन द शेड शेली। इट्स अ वेरी 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 प्रिटी कलर एंड मैं एकदम ऑब्सेस्ड हो गई हूँ उससे, समर के लिए ना एकदम परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा शिमरी शिमरी सा इफेक्ट है, सो आई एम गोना डू दिस, मैं इसको अपने हाईलाइटर ब्रश पे ले रही हूँ एंड डस्टिंग ऑफ ऑल द एक्सेस एंड इसको मैं अपनी आईलिड्स पे जस्ट स्वाइप करूंगी लाइक दिस, लाइक वेरी लिटिल लाइक दिस, टू एड लिटिल बिट ऑफ डूईनेस क्योंकि इसमें थोड़ा सा डूई डूई सा इफेक्ट है। सो जस्ट लिटिल कलर एंड लिटिल डूईनेस, जस्ट स्वाइपिंग, एकदम मैं अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट स्वाइप लाइक दिस, दैट्स इट। सेम ही ब्लश को थोड़ा सा मैंने जहां पे ये क्रीम ब्लश अप्लाई किया था लाइक द लिक्विड ब्लश उसके ऊपर अप्लाई करूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीची शेड जिसमें बहुत हल्का सा सटल सा ग्लो है जो कि पता भी नहीं चलता है आपको, पास से देखो तो कोई भी शिमर पार्टिकल वगैरह नहीं दिखता है, बट इट लुक्स रियली प्रिटी एंड समर में ना जितना आप ब्लश लगाओ, विंटर समर एनी टाइम ब्लश इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली गो ओवर बोर्ड विथ एंड इट ऑलवेज लुक्स सो प्रिटी फॉर आईज। एक तो ये स्वाइपिंग थिंग इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। अनदर थिंग जो मैं बहुत आजकल अच्छा लग रहा है मुझे करना इज यूजिंग अ आईब्रो पेंसिल। ऑफकोर्स हमने आईब्रोज कर लिए तो आईब्रोज के लिए नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज इसकी ये जो टिप होती है ना इसे एंगुलर होती है, यू नो दिस इत्यादि हाउस का है, वेटिंग वाइल का भी सिमिलर है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं ऐसे एंगुलर वाले, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आई लाइक टू क्लोज माई आईज, कीप इट हेयर लाइक इन द सेंटर एंड जस्ट टेक इट अपवर्ड्स लाइक सो, बहुत ही हल्का सा छोटा सा एक एंगुलर सा ड्रॉ हो जाता है, एंगुलर आईलाइनर विच इज इल्यूजन ऑफ अ लिफ्ट अप आई। दिस इज हाउ इट गोज, देयर इज बेयरली एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो कि कुछ लगा हुआ है, बट दिस गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ लिफ्ट अप आई एंड एकदम से बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है, बट अगर आप देखोगे तो आपने बिना कुछ किए एक्चुअल में एक बहुत स्मज सॉफ्ट सा विंग ड्रॉ किया है, वेरी वेरी लाइट विच गिव्स यू अ लिफ्ट अप इल्यूजन। एंड एक्चुअली मैंने इस ब्राउन से किया है, वेट एंड वाइट वाला मिल नहीं रहा है, वो मैं ब्लैक से करती हूँ तो और बेटर लगता है, बट ब्राउन ऑल्सो लुक्स रियली गुड टू मी। ओके नाउ इट्स टाइम टू कोट माई लैशेज, फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस लॉरिया लैश पैराडाइज वॉशेबल वाला वेरियंट। This is how it looks like. Used a mascara this lot. Lately मैं इसको use नहीं कर रही थी, but आजकल मैं इसको काफी ज्यादा use कर रही हूँ and I started falling again in love with this one. I already love it so much. पहले मैं इसको बहुत use करती थी. I don't know why I stopped it. It just provides lot of volume, lot of length. But the best part is कि waterproof नहीं है तो easily निकल जाता है. That is something I really really love and look at that. Love it, chef's kiss.
I'm gonna apply setting spray. Yes, I'm not gonna apply any highlighter. मुझे मतलब पता नहीं आजकल इट्स समर ऑलरेडी एंड हाईलाइटर जस्ट लुक्स टू मच आई थिंक एंड स्पेशली डे टाइम में या नाइट टाइम में भी आई लाइक टू कीप माई लाइक इंटायर बेस वेरी ड्यूई एंड वेरी नेचुरल एंड आई सॉर्ट ऑफ लाइक कोई ग्रैंड थिंग होता है ना तभी आई लाइक टू अप्लाई हाईलाइटर वरना आई स्किप इट आई कीप इट रियली नेचुरल सो स्किपिंग द हाईलाइटर एंड अप्लाइंग द सेटिंग स्प्रे टू जस्ट लॉक एवरीथिंग इन प्लेस लिप कॉम्बो आई एम ऑब्सेसिंग ओवर दीज टू लिपस्टिक्स आजकल मैं सिर्फ इनको यूज कर रही हूँ नथिंग एल्स लिटरली मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है सो सबसे पहले मैं लिप्स को लाइन करूंगी यूजिंग द नायका का लिप लाइनर दिस इज इन द शेड चॉकलेट बॉय इट्स अ रियली नाइस प्रिटी कलर आप कोई भी ब्राउन लिप लाइनर यूज कर सकते हो एंड इट जस्ट एड्स लाइक दैट डेफिनेशन टू योर लिप्स एंड इसके साथ कोई भी लिप कलर अच्छा लगता है अ गुड बेसिक ब्राउन लिप लाइनर इज एवरीथिंग यू नीड लिपस्टिक लिए आई एम यूजिंग सबसे पहले दिस मैक लिपस्टिक दिस इज इन द शेड मिस चीफ या दैट्स द शेड इट्स अ रियली प्रिटी पिंक शेड एंड इसको भी मैं पूरा नहीं लगाती हूँ आई अप्लाई वेरी लिटिल ऑफ इट एंड जस्ट ब्लेंड इट इट गिव्स दैट परफेक्ट न्यूड शेड एंड कभी कभी मैं सिर्फ इससे सेटिस्फाई हो जाती हूँ कभी कभी नहीं होती हूँ तो आई अप्लाई दिस शार्लेट टिल्बरी प्लोटॉक लिपस्टिक इट्स जस्ट सो गुड इट्स क्रीमी इट मेक्स माई लिप्स लुक रियली हेल्दी नाइस लग्जूरियस एंड द शेड पर्टिकुलरली हैज माई हार्ट Okay, that's perfect. I'm gonna do my hair, add a bindi, and I'll be right back. Alrighty, guys, this is my final finished makeup look. I actually really like it. It turned out to be so amazing and exactly how I wanted it to be. So glowy yet very natural, minimal. Do let me know what you think of this. आपको ये makeup look कैसा लगा? And that's it. I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.